वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई स्किल क्लासेस पर। और ये हमारे कंप्यूटर के ट्यूटोरियल हैं और चल रही है, इसमें कई सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर। तो आज इसमें हम लोग जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इनका क्या एडवांटेज है डिजिटल कंप्यूटर पर। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है आज के इस टॉपिक पर कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। ये कंप्यूटर जो है डिजाइन किए जाते हैं एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए। जैसे हमारे पास कोई एनालॉग डेटा है तो उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर को डिजाइन करते हैं ताकि उस एनालॉग डेटा को प्रोसेस किया जा सके। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड वेयर वी डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यूज सच एज स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड करंट। अब एनालॉग कंप्यूटर वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे स्पीड में, टेम्परेचर में, प्रेशर में, करंट में। इसमें हमें एक अनुमान भी मिल जाता है तो हम उससे अपना काम कर लेते हैं, हमें एग्जैक्ट डिस्क्रीट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एनालॉग डेटा वो होता है जो कि डिस्क्रीट नहीं होता है, जो डिजिट्स में नहीं आता है, जो एक फ्लो ऑफ करंट या फ्लो को ही दिखाता है कि कैसे कुछ चीज़ फ्लो कर रही है, लो में फ्लो हो रही है, हाई में फ्लो हो रही है। तो वो डेटा एनालॉग डेटा होता है, उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। तो स्पीड को हम लोग एनालॉग कंप्यूटर से मेजर कर सकते हैं। अब जैसे आपने जो है बाइक में देखा होगा, बस में देखा होगा या और भी जो साधन है उसमें देखा होगा, और मैं पल्सर 220 की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें कि डिजिट में स्पीड आती है, मैं और कम रेंज की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जिसमें उस तरह के सुई वाले मीटर लगे रहते हैं। उसका उसमें आपकी स्पीड सुई से डिफाइन होती है, वो सुई 20 से पहुँचती है, स्पीड 20, 40 से पहुँच गई तो 40, बीच में कहीं है तो हम लोग ये कहते हैं कि ये 20 और 30 के बीच में है। लेकिन उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हम बोलते हैं कि नहीं ये 33 चल रही है, 33.44 चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम वहाँ एक रेंज बता देते हैं कि ये 20 से 30 में चल रही है, 35 चल रही होगी या 25 चल रही है, 28 चल रही है। तो कि उसमें जो डिजिट्स बने रहते हैं वो 10 10, 20 20, छोटे छोटे के बने रहते हैं, 10 रहेगा, 20 रहेगा, बीच में वो बस लाइनें खींची रहती हैं। तो सुई जिस पे उस हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो वो एक एनालॉग डेटा है। उसी तरह टेम्परेचर नापने के लिए मरकुरी वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो एक एनालॉग डेटा है। प्रेशर में हम लोग के पास वो प्रेशर वाली घड़ी होती है जो लगी होती है बड़े बड़े मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, वो प्रेशर मापते हैं। जैसे आप टायर में ना वो हवा नपवाने जाइए तो वो टायर वाली जो हवा नापने वाली मशीन होती है उनके पास एनालॉग वाली होती है, वो प्रेशर मेजर कर लेती है। करंट में जो मिस्त्री लोग आपके घर में आते हैं वोल्ट मीटर लेके, तो वो फट से उसको टच करते हैं, उसकी स्विच फट से भागती है। तो ये सब एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है और ये एनालॉग डेटा होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है कि वो जो आपकी डिवाइस है उससे डायरेक्ट जो है डेटा एक्सेप्ट कर लेता है बिना उसे कन्वर्ट किए नंबर या कोड में। वो नंबर या कोड में कन्वर्ट नहीं होता है बल्कि उसको बिना कन्वर्ट किए वो मेजर कर लेता है। दे मीजर द कंटिन्यूस चेंज इन फिजिकल क्वान्टिटी एंड जनरली रेंडर आउटपुट एज अ रीडिंग ऑन अ डायल या स्केल। इसमें क्या होता है कि ये फिजिकल क्वान्टिटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो लगातार उसको मापता रहता है। जैसे जैसे फिजिकल क्वान्टिटी चेंज हो रही है, जैसे बढ़ रही, घट रही, वो उसको मॉनिटर करता रहता है और मेजर करता रहता है, और वो अपना आउटपुट डिस्प्ले करता है किसी स्केल पे या डायल पे। वो अपनी सुई के जरिए वो जो है स्केल के थ्रू सुई, जहाँ स्केल आप खींच दीजिए उस स्केल पे सुई जहाँ जाएगी उसको उस हिसाब से वो जो है आउटपुट आपको बताता जाएगा कि अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, उस पे ये आउटपुट डिस्प्ले करता है। ये मॉनिटर वगैरह पे आउटपुट डिस्प्ले नहीं करता है, ये उस स्केल पे ही सुई के जरिए जो है आपको आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो इसकी खासियत यही है कि ये वो किसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके जो डेटा आ रहा है मेजरिंग डिवाइस से वो सीधे उसको स्केल पे डिस्प्ले करा देगा। एग्जांपल जैसे हमने पहले ही बताया कि आपका मर्क्यूरी का थर्मोमीटर हो गया या
स्पीडोमीटर हो गया, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, एडवांटेज क्या होते हैं एनालॉग कंप्यूटर यूज करने का। एडवांटेज इसका ये है कि ये अलाउ करता है रियल टाइम ऑपरेशन को और उसी टाइम कंप्यूटेशन को एट द सेम टाइम, एंड कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन करता है डेटा को विद इन द रेंज ऑफ एनालॉग मशीन। ये इसमें आप रियल टाइम ऑपरेशन और कंप्यूटेशन एक साथ कर सकते हैं, एक ही टाइम पर कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप कंटिन्यूस चेंज को मेजर कर सकते हैं, कब घटा कब बढ़ा, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस चेंज में जो है, जैसे ही उधर घटेगा वैसे इधर सुई अप डाउन। अब जब आप गाड़ी चला रहे हैं आपका पहिया कम की स्पीड पर चल रहा, ज़्यादा स्पीड पर चल रहा, तुरंत तुरंत उसका डेटा चेंज होता है, तुरंत सुई अप डाउन होती है। तो ये थोड़ा फास्ट भी होता है और इसमें डेटा कन्वर्जन का कोई फैक्टर नहीं आता है। इन सम एप्लीकेशन इट अलाउज परफॉर्मिंग कैलकुलेशन विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर फॉर कन्वर्टिंग द इनपुट या आउटपुट टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। बहुत से एप्लीकेशन में जो है ये अलाउ करता है कि आप कैलकुलेशन भी साथ ही साथ परफॉर्म कर लें बिना किसी ट्रांसड्यूसर के, जो कि कन्वर्ट करता है इनपुट या आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में। तो आपको इसमें ट्रांसड्यूसर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना उसके यूज़ के आप कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं कुछ एप्लीकेशंस में। और तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को स्केल कर सकते हैं। स्केल कर सकते हैं मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम जब बहुत सिकुड़ी हुई रहेगी तो उसमें आपको जो है सोल्यूशन फाइंड करने में काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप उसे स्केल करते हैं बड़ा करते हैं तो आप उसके तह तक पहुंच पाते हैं, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप प्रॉब्लम को स्केल कर देंगे तो आपको उसमें ज़रा भी चेंज होगा कुछ होगा तो आपको पता चल जाएगा और आप हर तरह के एरर को डिटेक्ट कर लेंगे। उसमें ये प्रोग्रामर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम, ये इनसाइट प्रोवाइड करती है प्रॉब्लम में और हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि एरर्स एंड देयर इफेक्ट्स, कि एरर क्या आ रहे हैं उनके इफेक्ट क्या हो रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं एनालॉग कंप्यूटर के। तो एनालॉग कंप्यूटर अभी तक आप समझ ही गए होंगे, जो कि ऐसा डेटा जो कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट होने की डिमांड नहीं रखता है, उसे हम एनालॉग में ही रहने देते हैं, उसे बिना वजह चेंज करके उसका टाइम फैक्टर नहीं बढ़ाते हैं, एनालॉग में ही वो मेजर करते हैं और एनालॉग में ही ये कंप्यूटर उसको डिस्प्ले करता है और उसे यूज़ कर लेता है। तो ये इसका एक एग्जांपल था। और ये आपके स्पीडोमीटर थर्मोमीटर में सब इस्तेमाल होता है, प्रेशर मापने में यूज़ होता है और प्रोग्राम को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज के इस वीडियो को इसी पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।